हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दून टेस्ट में। आज की रेसिपी होने वाली है ब्रेड की खीर, जो कि ये बहुत ही टेस्टी डिश है और बहुत ही आसान मेथड से ये बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रेड की खीर। अगर आपके पास में ये ब्रेड 2 दिन की भी रखी हुई है तो भी ये इससे आपकी ये खीर बन जाएगी। तो इसलिए ये मेरे पास में 1 दिन पहले की ये ब्रेड रखी हुई थी, तो आज मैंने सोचा चलो ब्रेड की खीर बना आते हैं। तो इसके आपको चारों साइड से ये चाकू से कट करके इसकी साइड से ये हटा देना है। बस ये बीच का जो वाइट वाला ये भाग है, इसी को ही आपको खीर में यूज़ करना है। तो अभी सबको मैंने हटा दिया है। अब इन वाइट वाले पार्ट्स को मिक्सी के जार में आपको छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल देना है। और फिर इसमें थोड़ा सा काजू भी ऐड करना है। काजू इसमें जब हम डाल के पीसेंगे तो इसकी जो खीर है तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए, हमने ग्राइंडर में इसको अच्छे से दरदरा पीस लिया है। इसमें पानी नहीं ऐड करना है, सूखा ही आपको इसमें पीसना है। अब इधर मैंने ये दूध इस धर पे रख दिया था, तो इसको भी आपको अच्छा से कुक करना है। तो कम से कम जितना भी आपके पास दूध हो तो उसको कम से कम आप 50% अच्छे से कुक कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बनके ये खीर तैयार होती है। इसलिए दूध आप अच्छे से इसमें बॉयल कर लीजिएगा और ये फिर ब्रेड का जो पाउडर है वो इसमें आप ऐड करके और चम्मच से अच्छे से आप इसको मिक्स कर लीजिएगा दूध में, क्योंकि इसमें लम्स जल्दी पड़ जाते हैं। तो थोड़ा अच्छे से दबा दबा के इसको आप चलाते रहिएगा। फिर उसके बाद में एक बॉल में मैंने थोड़ा सा ये सूखा मिल्क पाउडर लिया है और इसको फिर मैं थोड़ा सा ये अच्छे से पानी में इसको ये घोल लिया है। तो अब ये मिल्क पाउडर भी घोल के आपको इधर अच्छी तरीके से, जब तक ये अच्छे से ये घोल ना जाए, अच्छे से घोल लेना है। अब इधर आपका ये देखिए दूध अच्छे से ये बॉयल हो रहा है और इसके अंदर ये ब्रेड भी कुक हो रही है। अब इधर आपको अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी ऐड करना है। तो मैंने 5 से 6 चम्मच इसमें चीनी ऐड कर दी है। अब इसको भी आपको अच्छे से ये हिलाते हुए अच्छे से इसको मिक्स करना है चीनी को, और इसको आप अच्छे से बॉयल होने दीजिए। अब ये देखिए ये बॉयल होने लगा है। अब इसमें अब थोड़ा सा मैंने ये ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा पिस्ता और काजू और थोड़ा सा बादाम, ये सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और कुछ मैंने गार्निश के लिए रख दी है। अब इधर ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने इस खीर में ऐड किए थे, अब इसको भी आपको अच्छे से खीर में मिक्स कर देना है और धीमी धीमी आंच में आपको ये खीर कुक करनी है। तो ये देखिए, ये अब आपकी खीर अच्छी तरीके से कुक हो रही है। तो ये अब जो हमने दूध इसमें ये ड्राई दूध जो हमने इसको घोला था, अब इसमें हमें ऐड कर देना है। तो इसको ऐड करने से ये खीर और भी टेस्टी बनती है। तो अब ये दूध भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा नारियल पाउडर इसमें ऐड करना है। तो ये नारियल का बुरादा भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको भी थोड़ा सा आप कुक होने के लिए रख दीजिएगा। तो ये 2 से 5 मिनट के लिए इसको भी इसमें कुक होने दीजिएगा। अब फिर मेरे पास में ये फ्रीजर में 2 दिन की मलाई रखी हुई थी, तो इसको भी मैंने इस खीर में ऐड कर दी है। तो अगर आपके पास 2 से 3 दिन की मलाई हो तो उसमें आप ऐड कर दीजिएगा। मलाई ऐड करने से इसमें और भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा, तो आपकी खीर और भी टेस्टी बनेगी। तो फिर इसको भी आप इसमें ऐड करके अच्छे से इसको कुक होने दीजिएगा। तो जितना ये धीमे धीमे आँच में कुक बन होगी, उतनी ही ये टेस्टी ये खीर बनेगी। अब इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया है, तो इसमें आप थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड कर दीजिएगा खुशबू के लिए। और फिर इसमें मैंने एक ढक्कन केवड़ा वाटर भी ऐड किया है, तो इसमें आप एक ढक्कन केवड़ा वाटर भी ऐड करके और इन सबको अच्छे से इस खीर में मिक्स कर दीजिएगा। तो अब ये देखिए, आपकी ये खीर मुश्किल से 10 से 15 मिनट में कुक होके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, आपकी ये ब्रेड की खीर बहुत ही कम टाइम में ये बनकर रेडी हो चुकी है। तो इस फेस्टिव सीज़न में इस ब्रेड की खीर को भी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा।